उसके बीच में आप कैसे जाओगे, या तो कार से जाओगे या तो रेंटल बाइक से जाओगे। अगर आपका रूम नजदीक है, आप वॉक करना चाहते हो, तो शायद आप वॉक करके जाओगे, बहुत कम ही लोग जाते हैं। बात करते हैं 2019 के दिसंबर में 27, 28, 29 सनबर्न के बारे में। पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, कैसे क्या क्या करना है, कहां से टिकट लेना है, क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, सब चीज मैं यहां पर बात करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरे अंत तक देख। वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ, अमित कुमार। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, इसलिए मैं हमारे पास देखो दो पेज है, दोनों पेज में फुल इंफॉर्मेशन जो सनबर्न 2019 दिसंबर में 7th of December to 29th of December जितने भी इंफॉर्मेशन थे, जो आप मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत है, हमारे पास सारे अवेलेबल है। और मैं आपको एक एक करके सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर जो इंफॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने सनबर्न के ऑफिशियल पेज से लिया है और उसको रिकन्फर्म भी किया है। इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंट्रोड्यूसिंग सनबर्न एक्सप्रेस इन एसोसिएशन विद स्पाइसजेट एयरलाइंस कॉम्बो पैकेज इंक्लूडिंग मुंबई टू गोवा रिटर्न जर्नी टिकट फेस्टिवल टिकट एंड सम फन गुडीज। ये सब मेंशन वहां पर है। टिकट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन बुक माई शो, अगर टिकट लेना चाहते हो तो बुक माई शो पर जाकर आप वहां से आप सनबर्न के लिए टिकट ले सकते हैं। चलो इससे आगे मैं बात करने वाला हूं, टिकट की क्राइटेरिया कैसे कैसे रखा गया उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो फर्स्ट बात करते हैं, 27th को डीजे स्नैक आएंगे और वहां पर मजेदार डीजे बजेगा, और 28th को द चैन स्मोकर एंड फिल्म दोनों आने वाले हैं, एंड 29th को मार्टिन गैरिक्स भी आ रहे हैं। तो प्रोबेबली 27th को एक ही डीजे है स्नेक्स, 28th को दो है, और 29th को सिर्फ मार्टिन गैरिक्स। और भी कुछ हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको अपने चैनल पर देने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल के साथ में कंटिन्यू रहना। अगर फर्स्ट टाइम हो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वो हमें कुछ भी होगा, कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और इसके साथ मैं अपने चैनल पर तो वीडियो बनाकर डाल ही दूंगा। अगर आपको टिकट लेना है तो बुक माई शो पर जाके वहां से आप टिकट खरीद सकते हो। टर्म एंड कंडीशन कुछ और भी है जो आगे मैं बताने वाले हूं, करता हूं एज के बारे में। 15 साल के ऊपर जो भी है उनको अलाउ है, आप अंदर जा सकते हो और सनबर्न का मजा आप ले सकते हो। मगर अगर आप 13 और 14 साल को, तो भैया आपके लिए सनबर्न नहीं है। सेकेंड थिंग, जो भी सॉन्ग होंगे सारे इंग्लिश में होंगे। सॉरी, माफ करना हमें, बहुत सारे लोग यहां पर होंगे जो जिन्हें मालूम होगा, मगर मैं अपने चैनल पर वीडियो सभी के लिए बनाता हूं, जिसे मालूम है उनके लिए बनाता हूं, जो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बनाता हूं। तो मैं बता दूं, सारे सॉन्ग इंग्लिश में होंगे, वहां हिंदी सॉन्ग नहीं बजेंगे। और फर्स्ट जो एंट्री का टाइम होगा, आपको 2 बजे आपको वहां पर पहुंच जाना है। प्रोग्राम का जो टाइमिंग होगा 2 बजे से 10, मतलब आफ्टरनून 2 o'clock में आपको एंट्री होगा, और नाइट में 10 o'clock ओवर। तो उसका जाके मजा लो। अगर आप अभी तक अगर आपको मालूम नहीं है कि किस जगह पर होने वाला है, तो भैया ये होने वाला है वागा टोर, जो अंजुना के पास में है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस जगह पर लेके जाने वाला हूं, और आपको जो भी वहां पर कुछ भी हो रहा वहां पर आपको चलकर बता देंगे। सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा कैसे जाना। वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कहां पर आप अपने लिए रूम ले सकते हो गोवा में, जो आपको नजदीक होगा जाने के लिए। टिकट का जो कैटेगरी रखा गया है 5 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट डे पास, जिसकी प्राइस है मात्र 3000 एक दिन के लिए, और दूसरा जो है फेस्टिवल है सनबर्न एक्सप्रेस पैकेज। जैसे आप जानते हो टिकट अप डाउन है, कैंपिंग कॉम्बो फेस्टिवल, एंड फिफ्थ है वीवीआईपी टेबल्स। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 5 जो टिकट के बारे में हमने बात किया वो क्या क्या है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने इसी चैनल पर आपको मैं दे दूंगा। एंड कंडीशन बहुत कुछ मेंशन किया गया है। अगर आप विजिट करना चाहते हो सनबर्न 2019 दिसंबर का, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट, नो हैंडबैग्स एंड अदर बैग्स अलाउड इनसाइड। आप गलती से भी कोई हैंडबैग लेकर मत जाना। कोई स्टोरेज के फैसिलिटी नहीं रखा गया वहां पर, कोई लॉकर नहीं है, नहीं तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा, फिर वापस आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो बड़ा तगड़ा है यार। देयर इज अ मेंशन, ए टिकट शैल नॉट बी वैलिड टिकट इफ द बार कोड और होलोग्राम हैज बीन टेम्पर्ड विथ। तो भैया जो बार कोड अच्छा से रखना, ऐसा नहीं कि टूट फट जाए, तो यार वो दोबारा कुछ भी नहीं हो सकता है। और देयर इज सो मेनी थिंग्स मेंशन ओवर हियर,
डुप्लीकेट टिकट विल नॉट बी इशूड फॉर लॉस्ट और स्टोलन टिकेट्स। भैया बड़ा संभाल कर रखना। और देयर इज मेंशन नो री एंट्री इज परमिटेड फॉर सिंगल डे टिकट होल्डर्स। बहुत कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पर। और एक चीज और, बाहर से आप अल्कोहल फूड बेवरेज कुछ भी अंदर लेकर नहीं जा सकते, इवन एक बोतल ऑफ वाटर भी अंदर अलाउड नहीं है। मतलब बाहर से नहीं ले जा सकते हो, आपको अंदर से जाकर खरीदना होगा। चलो और आगे देखते हैं क्या क्या मेंशन किया गया है ताकि आपको सुविधा हो। मैं यही चाहता हूं कि हमारे चैनल पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, जिससे आप एक अच्छी तरह से 27, 28, 29 का ट्रिप पूरे मजे में गोवा में आके करो। और बहुत कुछ और भी मैं बताने वाला हूँ अपने चैनल पर, और आपको लेके चलने वाला हूँ गोवा के हर जगह पर जहाँ पर आप जाना चाहते होगे। या तो कार से जाओगे या तो रेंटल बाइक से जाओगे। अगर आपका रूम नज़दीक है, आप वॉक करना चाहते हो तो शायद आप वॉक करके जाओ, बहुत कम ही लोग जाते हैं। मगर कहीं भी जो गाड़ी अपना पार्क करना, बड़ा सही जगह पर पार्क करना, क्योंकि कुछ भी डैमेज स्टोलन कुछ भी होता है आप ही को सोचना पड़ेगा। वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका रिस्पॉन्सिबल आप ठहरा सकते हो। तो प्लीज बड़ा सेफ जगह पर रखना। और आगे और बात करते हैं। हाँ, प्रोफेशनल कैमरा, प्रोफेशनल लाइक डीएसएलआर कैमरा कुछ अलाउड नहीं है। साथ में अगर जाते हो तो कोई ट्राइपोड लेकर मत जाना, अंदर अलाउड नहीं है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आप श्योर, अगर आपको लगता है कि आप गोवा में आ ही रहे हो, बिकॉज देयर इज मेंशन टिकट वंस बुक्ड कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड और रिफंडेड। अगर एक बार टिकट जो बुक हो गया, सो भैया बुक हो गया और कुछ नहीं हो सकता है। आप ना रिफंड कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। बॉक्स में जाकर जरूर मुझे बताना। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो सनवन के बारे में, तो प्लीज बिलो द कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज डाल देना यार। अगर मुझे ऐसा लगे है कि हाँ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर चलने वाला हूँ उस जगह पर जहां पर सनवन का पूरा सेटअप लगने वाला है। तो इस वीडियो में भैया यहीं तक। चलो बाय, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, और मैं चाहता हूं कि अपने चैनल पे इसी तरह के वीडियो आपको देता रहूं जो ज्यादा आपको इंगेज और इंटरटेन करते रहे और गोवा के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे। तो हमारा यही मकसद है भैया, और कुछ नहीं। चलो बाय, थैंक यू सो मच, बाय। समय हो गया फाइनली, अब बात करते हैं वाटर स्पोर्ट।